तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Honor 9X Lite की इस डिवाइस और इस डिवाइस की मुझे दो से तीन चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये Huawei और Honor की उन डिवाइसेज में से एक है जो कि लेटेस्ट आने वाली है, लेकिन उसके साथ आपको प्री इंस्टॉल्ड गूगल की सर्विस देखने को मिलने वाली है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ज्यादातर 25 से 30 हज़ार वाली डिवाइसेज में आपको 720p की डिस्प्ले देखने को मिलती है, आपको फुल एच डी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। और उसके चंद पॉइंट और जो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं वो अनबॉक्सिंग के दौरान मैं आपको बता दूंगा। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ इसका क्विक रिव्यू भी करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो को स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर की हम चैनल मोबाइल वाले जिनके दोनों नंबर पर यहाँ पर शो कर दूंगा, इनका एड्रेस भी यहाँ पर शो कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डिवाइस चाहिए लो रेट पर चाहिए, पाकिस्तान में सबसे लोएस्ट रेट पर आपको कोई भी डिवाइस चाहिए किसी भी कंपनी की, आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मे भी आपको डिलीवरी पाकिस्तान में ऑल ओवर कर दे, आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये है जी हमारा बॉक्स Honor 9X Lite का। सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं, देन मैं आपको बता दूंगा बॉक्स के अंदर क्या निकलता है और क्या ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी होने वाली है नहीं होने वाली, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कोडटेक की वारंटी देखने को मिलने वाली है जो कि एक साल की वारंटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये है जी फाइनली आपका बॉक्स Honor 9X Lite का। सबसे पहले आपको फ्रंट पर आपका मोबाइल फ्रंट और बैक डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, साइड पर 9X Lite की ब्रांडिंग, फिर Honor की ब्रांडिंग, फिर Honor 9X की ब्रांडिंग और देन अगेन ब्रांडिंग। और यहाँ पर आपको Honor 9X Lite का मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 4GB और 128GB के साथ ये मॉडल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ग्रीन कलर में ये मोबाइल फोन आने वाला है। सबसे पहले बॉक्स की सील को ब्रेक करते हैं और देन देखते हैं हमें बॉक्स कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं और अभी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। ये है जी सिंपली Honor 9X Lite का बॉक्स। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन ऊपर देखने को मिल जाएगा जिसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, एक नॉर्मल शॉपर में ये लपेटा हुआ है। इसको अभी साइड पर करते हैं और देन देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिलता है। यह है जी 9X का लाइट। सबसे पहले आपको लिड देखने को मिल जाएगी, लिड में आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलेगा, आपकी सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा, साइड पर करते हैं, पेपर वर्क देखने को मिल जाएगा, आई थिंक उर्दू या इंग्लिश में, साइड पर इसको भी करते हैं। यहाँ पर आपको एक टीवी केस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको नॉर्मल किस्म की टीवी केस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बैंड आपको देखने को मिलेगा जैसे पहले एक दो डिवाइस में हमें देखने को मिला है, इसको भी साइड पर करते हैं, लिड में हमें और कुछ देखने को नहीं मिलता। उसके बाद बॉक्स में आपको सबसे पहले IMEI स्टिकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, इसको भी साइड पर करते हैं। उसके बाद आपकी केबल देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, आई थिंक टाइप सी होनी चाहिए, नहीं यहाँ पर आपको माइक्रो USB 2.0 की केबल देखने को मिलने वाली जो कि आई थिंक टाइप सी होनी चाहिए थी। तो उसके बाद आपको आपके बॉक्स में से पावर ब्रिक देखने को मिल जाएगी जो कि 10 वाट की स्लो चार्जिंग के साथ आई है। और यहाँ पर आपको बैटरी साइज जो है 3750 mAh बैटरी, छोटी बैटरी देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा बॉक्स में आपको आपके एयरफोन देखने को मिल जाएंगे जो कि आई थिंक Honor की बाकी डिवाइसेज जैसे ही होंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर Honor की जैसी बाकी डिवाइसेज आती हैं उसी तरह के सेम एयरफोन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी इनको साइड पर करते हैं और मोबाइल फोन के रहते हैं। तो ये है जी आपका मोबाइल फोन, इसको शॉपर में से निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसकी बिल्ड और क्वालिटी कैसी होने वाली है। तो ये है जी आपका मोबाइल फोन। यहाँ पर अगर बिल्ड की बात करें तो यहाँ पर बैक और फ्रेम आपको दोनों प्लास्टिक का मिलेगा, लेकिन इसकी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा प्यारी की गई है आपको ऐसे लगेगा कि ये ग्लास की बिल्ड है, लेकिन ये ग्लास की बिल्ड नहीं है। उसके बाद आपको Honor की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, एक स्टिकर यहाँ पर लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको 48 MP AI कैमरा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डुअल कैम मिलेगा, मेन आपको 48 MP का सेंसर होगा और एक 2 MP का आपका डेप्थ सेंसर होगा। साइड की बात करूँ, साइड पर आपको आपके पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाएगा, वॉल्यूम रॉकर की देखने को मिल जाएगी, ऊपर की साइड पर आपका नॉइस कैंसिलेशन का माइक देखने को मिल जाएगा। साइड की बात करें तो साइड पर आपको सिम सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। और अगर बैक की बात करें तो बैक पर आपको आपका स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा आपकी चार्जिंग ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो कि माइक्रो USB होने वाली है, आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा और आपकी हो जाएगी 3.5 mm का जैक यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो सिंपली हम मोबाइल फोन को बूट अप कर लेते हैं और देखते हैं हमें और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। तो सिंपली हमने मोबाइल फोन को बूट अप कर लिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। यहाँ पर आपको मिलने वाली 1080p की IPS डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ज्यादातर इस प्राइस रेंज में आपको 720p की डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो ये पॉइंट मुझे इसका काफी ज्यादा अच्छा लगा है। लेकिन उसी तरह मुझे एक और बुरी बात लगी है, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी नॉच देखने को मिलने वाली है, लाइक आईफोन की तरह ही आपको एक बहुत बड़ी नॉच देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको आपका कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है, आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलने वाली है और आपका एयर स्पीकर आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है 8 MP का सेल्फी शूटर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। उस तरह बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं मैं और क्या डिटेल देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले ये कुछ इसका इंटरफेस और देन आप देखेंगे सेटिंग में जाते हैं, अबाउट सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या डिटेल देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आपका मॉडल नंबर आ जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर EMUI वर्जन 9.1.0 आपको देखने को मिलने वाला है, उसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन 9 जो ओल्ड है,
सीपीयू की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला Kirin 710 का चिपसेट यहाँ पर आपको देख रहे मिलने वाला है। अगर इस चिपसेट की बात करूँ, अगर इस चिपसेट की बात करूँ तो यहाँ पर इसका जो ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है वो निकल गया है 172,000 ओवरऑल स्कोर निकल गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नॉर्मल गेम ही कह सकते हैं इस चिपसेट के बारे में। उसके अलावा रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 1080p की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इस प्राइस रेंज में आपको ये नहीं देखने को मिलने वाली होती आम हालात में। उसके अलावा बात करें इंटरनल स्टोरेज की तो यहाँ पर आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, ये कुछ है। और दूसरी तरफ बात करूँ तो यहाँ पर प्री इंस्टॉल गूगल की सर्विस देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर प्ले स्टोर यूट्यूब वगैरह सब आपको पहले से ही देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको मेन सेंसर जो निकल के आने वाला है, बैक पर आपको डुअल कैम सेंसर देखने को मिलने वाला है। आपको 48 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। इसकी कुछ पिक्चर लेते हैं और देखते हैं मैं उठ के मोड इसमें देखने को मिलने वाला। अब अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट निकल गई है। आप डिटेल देख सकते हैं कि बहुत ही प्रीमियम किस्म की डिटेल यहाँ पर निकल गई है। यहाँ पर क्योंकि आपको मेन सेंसर जो मिलने वाला 48 मेगापिक्सल का होने वाला और अपर्चर 1.8 के साथ आने वाला है, यहाँ पर नाइट में भी आपको बहुत अच्छी पिक्चर यहाँ पर फोटोग्राफी देखने को मिलने वाली है। उसी तरह बात करें इसके तो उसी तरह बात कर लेते हैं रेयर कैमरा के वीडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p x 60fps तक। अब डेडिकेटेड मोड आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला। उसी तरह बात कर लेते हैं फ्रंट की क्वालिटी कैसी होने वाली है। फ्रंट की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे बालों और लाइट में ये कोई भी ये फ़र्क नहीं कर रहा और इसको मिक्सअप कर दिया, तो ये बहुत बुरी बात है। ये वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो पिक्चर क्वालिटी की बात कर लेते हैं, एक पिक्चर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी निकल करने वाली है। पिक्चर क्लिक कर लिया और देखते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखें तो इसने मेरे फेस को तो सही तरह डिटेक्ट कर ली है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है इसने मेरे बालों और लाइट को ब्लास्ट कर दिया। देखें लाइट को पूरा इसने यूज़ अप कर दिया और एक डिटेल आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाली। उस तरह बात करें तो इसने मेरे फेस को अच्छी तरह से डिटेल में आपको शो करवा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो आपको पसीने के भी आपको साइन शो करवा रहा है। उस तरह बात कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की, तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड चेक करते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर दोबारा स्पीड वो चेक करते हैं, हल्का सा आपको लैग देखने को मिलने वाला है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, मे बी किसी अपडेट में क्लियर हो जाए। उस तरह बात करते हैं फेस अनलॉक की स्पीड की, तो फेस अनलॉक की स्पीड भी हल्का सा आपको यहाँ भी लैग देखने को मिलने वाला है। यहाँ देखिए ये मेरे फेस को डिटेक्ट इंस्टेंट कर रहा है, लेकिन हल्का सा आपको लैग देखने को मिलने वाला। आपको स्वाइप अप का ऑप्शन भी, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। उस तरफ बात करें इसकी बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको 3750 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ पर आपको स्लो चार्जिंग देखने को मिलने वाली, जो कि 10W की होने वाली है। तो यार ये थी इस मोबाइल फोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बता दिया डिटेल के साथ। आप क्या कहते हैं इस मोबाइल फोन में, वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या ये मोबाइल फोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आपने मुझे बताना कि ये मोबाइल फोन ओवर प्राइस्ड है, वैल्यू फॉर मनी है या क्या मोबाइल फोन, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे ये मोबाइल फोन 2-3 पॉइंट पे बहुत अच्छा लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्ले स्टोर जो एप्लीकेशन आपको गूगल की एप्लीकेशन सर्विस से आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगी है मुझे। 1080p की क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है। बैक कैमरा की बात करूँ तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। सो यही थी Honor 9X Lite की अनबॉक्सिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की मजीद अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि इस तरह की जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले।